तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मेरी धमाकेदार वीडियो में। मेरे पीछे खड़ी है डीजे धड़कन अनुज भाई की टाटा, जो कि एंट्री हो चुके हैं यहाँ पर डीजे धड़कन की, जो कि मेरठ से हैं। डीजे धड़कन नंबर वन की एंट्री हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अब इनका टोला उधर से की साइड दूसरी तरफ खड़ा है, अपनी पेस वगैरह खोल रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या क्या सामान है, कैसे कैसे है। तो आप देख सकते हैं, पीछे आप देख सकते हैं वो इनका टोला खड़ा हुआ है यहाँ पर, और अनुज भाई हमारे वहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं। वो आपको इनकी जो पेस दिख रही होंगी वो भी इन्हीं की है, और पीछे ये जो टाटा खड़ी हुई है ये भी हमारे अनुज भाई की है। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको सभी के सभी, पूरा पूरा रिव्यू कराते हैं। अनुज गुजर आ चुके हैं भाई हरिद्वार में, तो देखिएगा गाइज ये अनुज भाई की टाटा हमारे डीजे धड़कन मेरठ की आन बान शान कहे जाने वाले डीजे अनुज एंड डीजे धड़कन। आप देख सकते हैं वो वहाँ पर डीजे कसाना खड़ा हुआ है। यहाँ पर अनुज भाई की टाटा फिलहाल पैक है, क्योंकि मौसम का फिलहाल कुछ नहीं पता चल पा रहा है, कभी बारिश पड़ सकती है कभी भी नहीं। और एक ट्रोला यहाँ पे खड़ा हुआ है हमारे अनुज भाई का, आप देख सकते हैं दोस्तों। डीजे धड़कन आ चुका है हरिद्वार में, एंट्री कर चुका है, देख सकते हैं आप, फिलहाल पैक है। अभी एक आपको दिखाते हैं एक नई तरह की बेस, नई तरह की तो है ही, और कलर भी देखिए उसका भी बिल्कुल अलग ही है भाई, लगान लग रहे हैं हमारे अंकित भाई। भगवा वाली बेस भी दिखाएंगे आपको, स्पीकर तो इसमें ब्लैक कलर के ही हैं पर बेस का कलर चेंज है, दो शेड है इसमें, लाइट तो ग्रीन एंड ब्लू हमारे अंकित भाई, और मतलब स्पीकर अपना टाइट कर रहे हैं, कस रहे हैं एलन की से। देखेगा दोस्तों, ये चौधरी डीजे खड़ा हुआ है सामने, और यहाँ पर हमारे अनुज भाई का टोला डीजे धड़कन, आप देख सकते हैं टॉप्स मशीन्स, भगवा वाली जो इनकी ट्रेंडिंग में चल रही है इस टाइम, वो बेस उनकी फिलहाल अभी किसी की जाली नहीं आई। हमारे अनुज भाई बैठे हुए हैं वहाँ पर, देखेगा हमारे अनुज भाई, देख सकते हैं ट्रोला आ चुका है यहाँ पर डीजे धड़कन का। हमारे अंकित भाई यहाँ पर काम को पूरी अहमियत देते हुए लगे हुए हैं। हमारे अनुज भाई देख रहे हैं कि भाई क्या क्या काम कर रहे हैं हमारे सभी भाई बंदे। और यहाँ पर आप सबसे पहले बात जनरेटर देखेगा गाइस, दो दो जनरेटर हैं भाई, मुझे तो पता नहीं कितने कितने के वी गए हैं, पर एक बार आप देखिएगा जनरेटर पर भी लाइट लगाई हुई है, जैसे कि पता चला कि पीछे कि यहाँ जनरेटर है, अंधेरे में ना पता चले अंधेरा ना लगे, आप देख सकते हैं। ओफो जनरेटर क्या भाई, ये तो पूरा बवाल ही है, देखेगा दोस्तों। ट्रोल आ चुका है यहाँ पर हमारे डीजे धड़कन नंबर वन मेरठ साउंड, देखते हैं बेस अंदर तक, बेस ही बेस भरी हुई है यहाँ पर, कुछ बेस गाड़ी में भी इनकी जो टाटा खड़ी हुई है दिखाया था अभी आपको पहले, वो खड़ी हुई वहाँ पर, देख सकते हैं आप वो रही इनकी टाटा। और यहाँ पर डीजे कसाना सेटअप देखेगा दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, जैसे जैसा आप मेरी पहले वाली वीडियो को प्यार दे रहे हैं ऐसे इसी वीडियो को प्यार देना, बहुत बहुत अपना प्यार बनाए रखना बस दोस्तों। आपकी जो जो डिमांड है सारी पूरी करूंगा, जो भी है हर तरह के साउंड सेटअप दिखाना चाहूंगा बिल्कुल, जितने जितने कवर हो पाएंगे सारे सारे कवर कर पाएंगे, सारे कवर करेंगे। और हमारे अनुज भाई अभी कहीं जा रहे हैं शायद, ठीक हो हमारे अनुज भाई, कैसे हैं अनुज भाई? बढ़िया जी बढ़िया। और भाई साहब किस टाइम आए थे आप अनुज भाई? हम भाई अभी 3 बजे करीब। अच्छा फिलहाल अभी मतलब कि ये आपका इसमें कितनी बेस रखी हुई है नॉर्मल? अगर भाई टोटल 40 बेस, टोटल 8 बेस स्टार्टिंग और 8 बेस स्टार्टिंग में 32 बेस है टोटल। टोटल तो इस बार कुछ नया ही धमाका करोगे यार है? और लाइट्स वगैरह इस बार किसकी हैं जी? लाइट्स वगैरह नितिन भाई के। हमारे नितिन भाई किस टाइम आएंगे? वो आने वाले हैं, अभी गाड़ी नो एंट्री में है। अच्छा अभी गाड़ी मतलब कि वो हरिद्वार की साइड से आ रहे हैं। चलो चलो एंट्री को ले, चलो अभी आप कुछ काम कर रहे होंगे शायद मेरे ख्याल में ना अभी, चलो कोई बात नहीं फिलहाल अभी बाइक ओके। अभी कुछ काम कर रहे थे हमारे अनुज भाई, तो अभी किसी काम से गए हैं, तो उनसे करेंगे फिर आराम से तसल्लीपूर्वक बात करेंगे जब साउंड सेटअप वगैरह इनका मतलब कि सेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जब तसल्लीपूर्वक बात करेंगे। ओके तो चलिए मिलते हैं दोस्तों आपको एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।